शाहरुख खान और गौरी खान बॉलीवुड के मोस्ट एडोरेबल कपल्स में से एक हैं, जो एक दूसरे से अब तक बेहद प्यार करते हैं। लेकिन गौरी से शादी करना शाहरुख के लिए आसान नहीं था। एक तो अलग धर्म होने की वजह से दोनों को अपने घर वालों को मनाना बहुत मुश्किल था, इसलिए कोर्ट मैरिज करने के बाद निकाह फिर हिंदू रीत रिवाज से विवाह के बाद गौरी शाहरुख की शादी हुई थी। वहीं शाहरुख खान की जिंदगी में उस वक्त दो चीजें एक साथ चल रही थी। बड़ी मुश्किलों के बाद किंग खान ने गौरी से शादी की और शादी के बाद किंग खान और गौरी की पहली रात कुछ इस तरह से कटी जिसे सोचकर आज भी शाहरुख की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपको बता दें, शादी के अगले दिन ही शाहरुख खान अपनी पत्नी को लेकर मुंबई आ गए थे और गौरी खान शाहरुख के बैचलर वाले फ्लैट में रहने वाली थी। लेकिन शाहरुख के दोस्त निर्देशक अजीज मिर्जा को ये ठीक नहीं लग रहा था, तब उन्होंने ऐन मौके पर शाहरुख गौरी के लिए दो दिन के लिए एक होटल बुक करा दिया था। लेकिन फिर भी इस नए शादीशुदा जोड़े को मुश्किलों से भरी रात काटनी पड़ी। दरअसल मुंबई आने के बाद शाहरुख ने सोचा कि हेमा मालिनी को उन्हें अपने मुंबई आ जाने के बारे में बता देना चाहिए, क्योंकि उस वक्त शाहरुख अपनी दूसरी फिल्म दिल आशना है की शूटिंग कर रहे थे और इस फिल्म की निर्माता निर्देशक हेमा मालिनी थी, जो धर्मेंद्र के प्रोडक्शन में बन रही थी। और शाहरुख ने जैसे ही बताया कि वो मुंबई में है, तब हेमा मालिनी ने भी झट से उन्हें शूटिंग वाली जगह पर बुला लिया और ये भी कहा कि धर्मेंद्र भी आ रहे हैं, जिसके बाद शाहरुख और गौरी दोनों बेहद खुश हो गए और गौरी को हेमा और धर्मेंद्र जी से मिलाने के लिए शाहरुख सीधा स्टूडियो पहुँच गए। लेकिन जब वो स्टूडियो पहुंचे तो हेमा धर्मेंद्र वहां नहीं पहुंचे थे और घंटों इन्हें इंतजार करना पड़ा। वहीं शाहरुख के कुछ सीन्स तय हो गए थे, इसलिए किंग खान को भी अपनी शूटिंग भी शुरू करनी पड़ी। जब शाहरुख शूटिंग करके लौटे तो भारी भरकम साड़ी पहने गौरी कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गई थी और इस दिन की बात याद करते हुए शाहरुख ने बताया कि उस दिन उन्हें अपने फैसले पर रोना आया था, क्योंकि ये मेरे और गौरी के लिए अपमान का दिन था। वो गौरी की सुहाग रात थी जो एक घटिया से मच्छर भरे कमरे में किसी का इंतजार करते कट गई थी। और लौट कर मैंने गौरी को उठाया, मैंने उससे कुछ नहीं कहा, उसने भी मुझसे कुछ नहीं पूछा। हम चुपचाप टैक्सी में बैठकर होटल लौट आए। हाँ, वही शाहरुख ने ये भी बताया कि ये जरूर कह सकता हूँ कि उस रात ने भी मेरी जिंदगी में एक बड़ी भूमिका निभाई है। इस तरह से शाहरुख खान और गौरी खान ने संघर्ष से भरे अपने शुरुआती दिन निकाले हैं।